सभी श्रोताओं को अजय दीप वाधवा का नमस्ते। कहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने जो सबसे बड़ा उपहार दिया है उसमें से एक है हंसना। मनुष्य हंस सकता है, हम सब हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। जानवरों को ये भगवान ने नहीं दिया है। आपके भी किसी जानवर को कभी भी आप मुस्कुराते, ठहाके लगाते या हंसते नहीं देखेंगे। तो ये जो आशीर्वाद है ये भगवान ने सिर्फ हम मनुष्यों को दिया है। इसका मतलब है कि भगवान ये चाहते हैं कि हम लोग जीवन में सदा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ठहाके लगाते रहें। मैंने कई बार देखा है कि लोग मुस्कुराना छोड़ देते हैं, बहुत लोग जोर से हंसना छोड़ देते हैं। कई बार समाज में बाधा आ जाती है कि जोर से हंसना, खासकर सार्वजनिक जनों पर जोर से हंसना अच्छा नहीं है। कई बार औरतों को और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम सबके सामने हंसो मत, चुपचाप रहो। उनको ठहाके लगाने की परमिशन भी नहीं दी जाती है। हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि तुम जोर जोर से ठहाके मत लगाओ। पर मेरे विचार से जब आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, जब आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आप हंस सकते हैं, जोर से हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने बॉस के साथ आप कमरे में बैठे हैं, चैम्बर में बैठे हैं, ऑफिस की मीटिंग चल रही है और जोर जोर से हंसना चालू कर दे, बॉस नाराज हो जाएगा। पर मुस्कुराहट तो अपने चेहरे पर रख ही सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोलता कि सड़क पर चलते समय जब आपका बॉस या आपके सीनियर आपके साथ नहीं है तब भी जोर जोर के ठहाके लगाइए। अगर आप चलती सड़क पर जोर जोर के हंसना चालू कर देंगे तो लोग आपको पकड़ के पागलखाने में बंद कर देंगे। पर जब अकेले हैं, जब दोस्तों के साथ हैं, मित्रों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, जब कोई अच्छा चुटकुला बोला गया, कोई अच्छा काम हुआ, कोई अच्छी बात हुई, कोई आपके घर में कोई अच्छी घटना घटी, किसी बच्चे ने, किसी आपके परिवार के सदस्य ने कोई सफलता हासिल की, कोई खुशी आई, तो हंसिए, मुस्कुराइए और संभव हो तो चुटकुलों पर और अच्छी बातों पर जोर से ठहाके भी लगाइए। इसका एक बेनिफिट भी है। प्रायः देखा गया कि जो लोग मुस्कुराते हैं उनको बीमारियां कम होती हैं, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी कम होती है, ऐसा कई शोधों में पाया भी गया है। दूसरी बात है कि जो लोग मुस्कुराते हैं उनके स्किन, चेहरे का जो त्वचा है वो भी अच्छी रहती है, उनके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से हम सबको ये निर्णय लेना चाहिए कि जीवन में जब भी मौका मिलेगा हम दोस्तों के साथ समय गुजारेंगे और हंसेंगे, हम ठहाके लगाएंगे, हम मुस्कुराएंगे। ऑफिस में या कहीं भी आपने देखा होगा कि जब अगला व्यक्ति आप पर बहुत जोर गुस्सा कर रहा है, अब आप उस समय शांत रह जाइए, आप मुस्कुरा के क्षमा मांग लीजिए तो अगले का गुस्सा भी शांत हो जाता है। मेरे साथ निजी जीवन में भी हुआ है। मैं सड़क पर कार चला रहा था, दो तीन बार ऐसा हुआ है पिछले 10-12 सालों में कि मेरी कार से सामने वाली बाइक को हल्का सा धक्का लग गया, वो गिर गया। पर उसके बाद जब वो मुस्कुरा मेरे पास आया तो मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि सॉरी, गलती उसकी थी पर मैंने सॉरी बोल दिया। वो उसके मुस्कुराहट पर सब बार 100% टाइम यही हुआ कि वो चुप रहा, फिर वही मुस्कुरा के बोला कि ठीक है सर, जाइए, अब लग गया तो क्या करें। अगर मैं नहीं मुस्कुराता, मैं उसे क्षमा नहीं मांगता तो बात बिगड़ जाती, हो सकता है इसमें वो मेरा कुछ शारीरिक नुकसान भी करता और वो मेरे से पैसे तो लेता ही। तो आइए हम आज से ये निर्णय लें कि हम गुस्सा ना करें और जब भी भगवान हमें मौका दे हम मुस्कुराएं जरूर, खुशी मनाएं, ठहाके लगाएं। एक बात याद रखिएगा, जिस चीज को हम करते हैं, बार बार करते हैं, भगवान हमें वो चीज बार बार करने का अवसर देते हैं। अगर हम बार बार पे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे तो भगवान भी ऐसा चाहेगा कि हमारे साथ बार बार वो घटनाएं घटें जिसमें हमें और मुस्कुराने और हंसने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।